हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन लेके आए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और किया कार्निवाल के बीच में। दोस्तों किया ने हाल ही में अपना कार्निवाल सबसे लंबी कार को भारत में कर दिया है लॉन्च। तो क्या ये किया कार्निवाल टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, या फिर दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर बाई करने के लिए रहेगी, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, शुरुआत करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। तो देखिए टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत शुरू होती है 28 लाख रुपए से और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है 33 लाख रुपए तक। यह गाड़ी पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के साथ आती है, जहां पर पेट्रोल में दो वेरिएंट और डीजल में चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें किया की कार्निवाल, इस कार की कीमत शुरू होती है 25 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 34 लाख रुपए तक। ये गाड़ी सिर्फ डीजल ऑप्शन के साथ आती है और इस गाड़ी में डीजल के 5 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इंजन्स की, तो टोयोटा की फॉर्च्यूनर में आपको 2700 सीसी का पेट्रोल इंजन और 2750 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। यह गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। गाड़ी में टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाड़ी में BS4 इंजन है और ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन बॉक्स के साथ आती है। इसका टोटल जो हाईएस्ट पावर जनरेट करती है इंजन वो है 174 BHP का। वहीं बात की जाए किया कार्निवल, तो इसके अंदर आपको 2200 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 8 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और ये गाड़ी जनरेट करती है 197 BHP का पावर, जो कि लगभग हम बात कर लें टोयोटा फॉर्च्यूनर से 20 गुना अधिक पावर है, मतलब 20 BHP ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर। फिर भी अगर बात करें ऑफ रोडिंग के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो वो अभी भी टोयोटा फॉर्च्यूनर ही हम कहेंगे। और बात करें यहाँ पर पावर जनरेट में, तो हाँ कह सकते हैं किया कार्निवल 8 स्पीड गियर बॉक्स है, 197 BHP का पावर है, तो पावर तो किया कार्निवल में ही है, लेकिन फिर भी वो जो दम होता है वो फॉर्च्यूनर में अभी भी बरकरार है। बात करें यहाँ पर हम लोग कंफर्ट और इंटीरियर के मामले में, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर एक 7 सीटर कार है, जिसके अंदर आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। गाड़ी में 2-जोन AC देखने को मिलता है और कुछ इस प्रकार से इसका इंटीरियर आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं। गाड़ी के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, 6 स्पीकर, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें आप किया कार्निवल की, तो इस गाड़ी में आपको 9 सीट्स तक देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी में 540 लीटर का फूट स्पेस, आपको 3-जोन AC देखने को मिलता है, 8 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले और 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों कंफर्ट की बात करें, तो यार ऑब्वियसली किया कार्निवल ज़्यादा कंफर्टेबल कार है अगर कंपेयर करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तुलना में। तो बात करें यहाँ पर फ्यूल टैंक और माइलेज की, तो आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर में 80 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं 10 से लेकर 18 तक का माइलेज दे देती है, और वहीं किया कार्निवल में 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं 10 से लेकर 16, 17, 18 मतलब दोनों का माइलेज सेम ही कह सकते हैं। बात करें सेफ्टी फीचर, तो आपको सबसे पहले हम मैं फॉर्च्यूनर का बताता हूँ। फॉर्च्यूनर में आपको ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, 7 एयरबैग, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, क्रैश सेंसर, रियर कैमरा, हिल असिस्ट जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें वही फीचर हम लोग किया कार्निवल में, तो सेम यही फीचर आपको किया कार्निवल में भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फीचर एक्स्ट्रा या फिर कम कह लें जो किया कार्निवल में है, वो मैं आपको बताते चलता हूँ। किया कार्निवल में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम एक नया फीचर देखने को मिलता है, और हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये दो फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं किया कार्निवल में भी। तो अगर सेफ्टी की नज़रिए से बात की जाए तो दोनों गाड़ी सेम ही है, लेकिन अगर क्रैश टेस्ट की बात करें, जो हम कहते हैं सेफ्टी टेस्टिंग होती है, तो उसकी कुछ इस प्रकार से पॉइंट आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। बात करें डायमेंशंस, कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रेजेंट देखने में लगती है, तो ये रे डायमेंशन आपके डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। देखिए लंबाई की बात करें तो वो किया कार्निवल ज़्यादा लंबी है। रोड प्रेजेंस की बात करें, कुछ अलग अगर आपको दिखाना है तो वो किया कार्निवल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कंफर्ट की बात करें तो वो भी किया कार्निवल के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन जब बात आती है ख़राब रास्तों की, तो इस बार टोयोटा फॉर्च्यूनर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
बताता हूँ, किया कार्निवल एक लग्जरी कैटेगरी की कार है, मतलब कि रोड अच्छी रहे आप कहीं भी निकल सकते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब चैनल ये आपको बात नहीं खुलकर बताने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर किसी भी रास्ते से निकल सकता है क्योंकि एक ऑफ रोड SUV सेगमेंट है। वही बात करें किया कार्निवल तो ये एक MPV सेगमेंट की कार है, मतलब कि लग्जरियस कार है, आप किसी भी सफ़र पर जाएँ आपको मज़ा आ जाएगा इसे राइड करके। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी फायदा ये है, अगर आप किया कार्निवल, मैं क्यों कहता हूँ ये गाड़ी सही है, क्योंकि इसके अंदर आपको 8-speed बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में सबसे पहली ये गाड़ी आ रही है जिसमें 8-speed का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। BS6 इंजन अच्छी बात है, आपको 20 BHP का अधिक पावर देखने को मिल जाता है किया कार्निवल में, आपको 9 seats देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको ज़्यादा कम्फर्ट देखने को मिलेगा किया कार्निवल में। अब दोस्तों दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी की लुक ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऑटो कंपेयर को। आने वाले समय में हम टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्सेस किया कार्निवल की अनेकों मॉडल की कंपैरिजन आपको दिखाने वाले हैं, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।